आजकल टीवी न्यूज एंकरों को खुद को लेकर जनमत संग्रह करवाने का शौक चढ़ा हुआ है कि न्यूज एंकर खुद को नेता समझने लगे, जिसके कारण हर बात पर नंबर्स और भीड़ की दुहाई देते रहते हैं। लेकिन आत्ममुग्धता के इस खेल में एक वक्त ऐसा आता है जब ये खुद को ही एक्सपोज करने लगते हैं। एक उदाहरण देखिए। जिहाद का शाब्दिक अर्थ है पवित्र युद्ध, लेकिन जिहाद की परिभाषा को हमेशा गलत तरीके से पेश किया गया है। तो जिहाद उन लोगों का हथियार है जो भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। कोरोना पर गलत फहमी फैलाने के कारण सुधीर चौधरी के खिलाफ केरल पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज होते ही सुधीर के दोस्तों को उनकी चिंता होने लगी। इसी चिंता में सुधीर के एक दोस्त ने क्या कहा वो सुनिए। देश की जनता राष्ट्रवादी चैनल के रूप में जी को देखता है और सुधीर चौधरी को देखता है। ये समझना मुश्किल नहीं है कि सुधीर चौधरी और गिरिराज सिंह का राष्ट्रवाद एक जैसा है। इन दोनों की राष्ट्रवाद की परिभाषा में ना तो मुसलमानों के लिए कोई जगह है, ना ही संवैधानिक मूल्यों के लिए। ये लोग धर्मनिरपेक्षता और उदारवाद जैसे सिद्धांतों को भी हजम नहीं कर पाते। बहरहाल सुधीर चौधरी की तरफ से बैटिंग करने के लिए गिरिराज सिंह ने चुना ट्विटर का मैदान, रास्ता अपनाया जनमत संग्रह खुद के लिए नहीं बल्कि सुधीर चौधरी के लिए। लेकिन वक्त उन पर कठिन गुजरा। एक समय ऐसा आ गया जब लगा कि अपने ही द्वारा क्रिएट किए गए ओपिनियन पोल को गिरिराज सिंह हार जाएंगे। लेकिन तभी इस बाहुबली नेता ने बूथ कैप्चरिंग कर ली। जी हाँ, बूथ कैप्चरिंग, जिसकी खबरें हम बहुत साल पहले सुना करते थे। हालांकि अब भी कुछ खबरें आ जाती हैं छिटपुट, लेकिन आजकल जमाना ईवीएम सेटिंग का हो चला है। गिरिराज सिंह ने बूथ कैप्चरिंग का ये तरीका अपनाया ट्विटर के ओपिनियन पोल में जीतने के लिए। हुआ ये कि सांसद महोदय ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ओपिनियन पोल, साधारण भाषा में कहें तो सर्वे डाला। सर्वे में उन्होंने सवाल पूछा और लिखा कि हिंदुस्तान की भावना के साथ चलने वाले जी न्यूज और सुधीर चौधरी के साथ मैं हूं, क्या आप हैं? 1,94,724 वोट पड़े। स्वाभाविक है हाँ कहने वाले यूजर्स ज्यादा थे। लेकिन कुछ खेल होते हैं ना जिसमें लोग जीत कर भी हार जाते हैं। ऐसा ही खेल इस ओपिनियन पोल में गिरिराज सिंह के साथ हुआ, जिसमें वो जीत कर भी हार गए। दरअसल पिछले कुछ समय में दक्षिणपंथी समूहों के अपेक्षा जो दूसरा समूह है वो सोशल मीडिया पर मजबूत हुआ है। पिछले कुछ पोल्स में हमने देखा भी जो दक्षिणपंथी समूहों के द्वारा क्रिएट किए गए थे वो अपेक्षा के हिसाब से परिणाम नहीं ला पाए। गिरिराज सिंह के पोल के साथ भी ऐसा ही होने लगा, लेकिन तभी गिरिराज सिंह बूथ कैप्चरिंग कर गए। उन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट लॉक कर दिया और ऐसा सेटिंग इनेबल किया जिसमें केवल उनको फॉलो करने वाले कन्फर्म्ड यूजर ही उनके पोल में हिस्सा ले सकते थे। इसीलिए जीतने के बाद भी गिरिराज सिंह के लिए परिणाम उत्साहजनक नहीं रहे। खैर, हमारी पढ़ाई लिखाई तो यही कहती है कि पत्रकार का काम जनमत संग्रह का नहीं होता है, पर पत्रकार को जरूरी नहीं है कि भीड़ की आइडियोलॉजी के साथ सफर करना पड़े। कोई चीज सच है या फिर झूठ, इसको पता करने का कौशल, इसको पता करने के लिए जरूरी संसाधन आम लोगों की अपेक्षा पत्रकारों के पास अधिक होता है। लेकिन कुछ लोगों की परिभाषाएं ही गलत हैं। आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा। मॉल्टिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज।